लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुश होंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं शेयर कर लूँ कि एक हिंदू मजहबी स्कॉलर, उसने कहा कि नफ्सियाती जो मसाइल है, जो समाजी मसाइल है, उसका जो जड़ है, जो रीज़न है, जो वजह है, वो है लालच। जब इंसानों में लालच हो तो इंसान को नफ्सियाती समाजी मसाइल की तरफ ले जा सकता है। अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से देख ले तो हमारे इस्लाम में भी लालच बहुत बुरी चीज़ है और इसके बहुत मोहलिक असरात हो सकते हैं। अगर लालच बहन भाइयों के दरमियान है तो बहन भाइयों का जो रिश्ता है वो कमज़ोर होता है। अगर बिजनेसमैन कारोबारी लोगों के दरमियान है तो उनका जो कारोबार है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर पॉलिटिशियंस है, आजकल जो हम देखते हैं पॉलिटिशियन के दरमियान बहुत ज़्यादा है और इवन के एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, किस चीज़ की वजह से? लालच की वजह से। अगर लालच कम हो जाए, खुलूस, मोहब्बत और भाईचारे का जज्बा अगर बढ़ जाए तो हम नफ्सियाती मसाइल से, समाजी मसाइल से दूर रह सकते हैं, हम खुशी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अल्लाह करे कि ये जज्बा सबसे ज़्यादा हो, भाईचारे का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा, प्यार का जज्बा, तो हम नफ्सियाती और समाजी मसाइल के शिकार नहीं होंगे बल्कि हमारी ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी होगी, हमारा माशरा बेहतर होगा, हम एक पॉजिटिव इमेज दूसरे लोगों को दे सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।